इंसाफी हुआ है। अच्छा। मुनावर तो एक नाम था, इसीलिए उनको जिताना था, गलत नहीं जिताया। तब उन्हें लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं दिल में लग रहा है कि मैं विनर हो सकता था, मुनावर क्यों, कि नाम है उसका सोशल मीडिया पर, इसलिए। तो क्या बोला रिएक्शन आपके बारे में? अगर वो जीते हैं तो वो नहीं, उससे लोग सेटिंग से जीते, सेटिंग से जीते, लेकिन आपके साथ ना इंसाफी हुआ है। अच्छा, क्या नाम किशन? यस यस। बट मैं फिर भी यहाँ हूँ, आप सबके प्यार की वजह से हूँ। और अगर आप बोल रहे हो कि ऐसे ना इंसाफ है, मुझे सर ने एक बार, सलमान सर ने बोला था एक वीकेंड के बाद पे कि मनारा तुम ये मत सोचो कि सब तुम्हें ऐसा वीक फील कराए और टारगेट करे, तुम ये सोचो कि सब ने तुम्हें चूज किया उस जर्नी के लिए। तो अगर आज सोशल मीडिया पे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मनारा इज अ काइंड ऑफ रियल विनर, तो मैं उन सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने मेरी जर्नी को सच में जी है, दिल से जी है। एंड इतने यू नो फनी फनी वीडियोस बन रहे हैं, अभी वो चाय वाला वीडियो बना तो मैं तो उसको देख के ऐसे हो गई। सो थैंक यू फॉर द लव एंड थैंक यू, आपने मुझे एक विनर की तरह देखा। बट मैं सीरियसली सच में बोल रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जर्नी से, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो कहीं ना कहीं आपको दिल में ये लग रहा है कि आप ही जीत सकती थी, आपके साथ कुछ धोखा हुआ या नाइंसाफी हुआ? मतलब मैं अभी कल एक फैन को मिली और मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे गई थी, तो वहाँ पे एक लेडी आई, शी वाज लाइक कि मैं दिल्ली से आई हूँ, नोएडा से आई, यू नो व्हाट, मेरी अभी बेटी हुई है और मैंने डिसाइड करा कि मैं उसका नाम मनारा रखूंगी। क्या बात है, मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का दिल आपके जैसा और वो इतनी स्ट्रांग हो जितने आप थे। तो मेरे लिए इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करना घर से बाहर आके बहुत बड़ी बात है। आई एम सो ओवरवेल्ड। एंड जैसे मैं घर से बाहर भी निकली, एक रिपोर्टर थे और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी डॉटर है 16 years old और वो कहती है कि ये देखो इस घर में जो है ना, ये मनारा दीदी जो है, इसके जैसा बनना है मुझे। शी इज सो स्ट्रांग एंड शी इज सो नेचुरल एंड शी इज सो रियल। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत सारी जो लड़कियां हैं उन्हें इंस्पायर कर पाई हूँ इन माय ओन, जस्ट बीइंग माय ओन सेल्फ एंड बीइंग माय नेचुरल सेल्फ। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय फीमेल फैंस एंड ऑफ कोर्स ऑल द बॉयज एंड द होल जनता जिसने मुझे सपोर्ट किया। जनता, आपके प्यार के बिना तो मनारा यहाँ हो ही नहीं पाती। एंड टू ऑल द मीडिया, आज आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं तो ही आई है। सो थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। मुझे आप ही देख रहे दिल से खेल रही थी या जीतने के लिए खेल रही थी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रुक के आपको लगा मैं दिल से खेल रही थी, जिन सबको भी लगा कि मैं एक्चुअली दिल से खेल रही थी। क्योंकि बिग बॉस हाउस में भी सबसे ज्यादा खूबसूरत आदमी थी और सबसे अच्छी खेली रही थी। नेक्स्ट क्या है आपका अभी प्रोजेक्ट? कुछ अभी तक कुछ तैयारी की? नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करने वाले आप अभी? एंड अभी उसके अलावा मैं बिल्कुल बाहर आई हूँ एंड लाइक आई एम बैक टू वर्क एंड अभी भी मैं काम पे ही हूँ एंड या आई एम एंजॉइंग माई जर्नी एंड मेरे लिए बस प्रे करिए। आपने मेरे लिए इतने वोट्स दिए हैं, मेरे को मेरे लिए इतना प्यार दिया है, तो आगे प्रे करिए क्योंकि मैं बॉम्बे आई हूँ सिर्फ काम के लिए एंड आई वॉन्ट कि लोग मुझे एक्टिंग में सीरियसली ले, मेरे को ऐसे रोल्स ऑफर करें मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स। आई लुक फॉरवर्ड टू दैम। तो आप मेरे को बस जर्नी में सपोर्ट करिए और मनारा को तो रॉक करना ही है क्योंकि वो तो आपकी मन्ना है। Oh, nice. Once more. Okay. Wow, nice. Yeah.
मुंबई से जा रहे हैं? मैं मुंबई में आ गई हूँ, देखो बाहर Yes. हाँ, बॉम्बे भी रहोगे और देखो मेरे पास आज घड़ी भी है, टाइम भी पता है, 8:30 हो रहे हैं, अब तो घड़ी भी मिल गई, मोबाइल भी मिल गया, आसमान भी दिख गया और आप सबका प्यार भी मिल गया, सो थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू क्या गुस्सा है।